हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम गार्डनिंग। आज मैं बात करूंगा सपोडिला के बारे में। इसे चिकूस भी बोलते हैं और हमारे ओडिशा स्टेट में इसे सपेता बोलते हैं। और ये बहुत ही टेस्टी होता है खाने में और बहुत ही हेल्दी फ्रूट होता है। आप जो ये पेड़ देख रहे हैं, ये है मेरे दादाजी ने लगाया था। ये 10 या 12 साल पुराना है और इसमें बहुत सारे चीकूज होते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे चीकू अभी लग रहे हैं इस पेड़ में। इस सभी में अभी फ्लावरिंग हो रहा है, सभी में अभी फ्लावर आ रहे हैं। इस सभी में अभी फ्लावर आ रहे हैं, बहुत सारे फूल इसमें होते हैं। देखिए, और ये इसके फ्लावर हैं, ये इसके फ्लावर्स हैं। और यहाँ पे भी सभी में अभी फूल आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे एयर लेयरिंग किया था। ये देखिए इस प्लांट में, यहाँ पे इस साइड में अभी भी इसमें रूट नहीं आए हैं। और ये देखिए यहाँ पे इस टहनी में कितने सारे चीकूज हो रहे हैं अभी। इसमें इसको खाने से इसमें जो फ्रूट की बेनिफिट्स, इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है और फिर आयरन होता है। आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है चीकूज खाना। ये देखिए हमारा ये बहुत ही बड़ा पेड़ है। और बहुत सारे अभी चीकूज हो रहे हैं, बहुत सारे। और ये वाला जो पेड़ है, ये ऑल टाइम चीकूज है, मतलब अभी पक रहे हैं और इसमें फूल भी आ रहे हैं। और आप इसे कैसे उगा सकते हैं? इसको आप अगर सीड से उगाना चाहते हैं तो आपको रेनी सीजन में आपको इसे लगाना होगा। मतलब आप इसको, इसका जो सीड होता है, ये देखिए ये इसके सीड्स हैं, ये इसके सीड्स हैं। ये बहुत ही अपर लेयर इसका हार्ड होता है तो जर्मिनेट नहीं कर पाता है। इसको आप 10 दिन के लिए आप पानी में भिगो के उसके बाद कपड़े में लपेटिए 10 दिन के लिए, उसके बाद आप सॉइल में उसे डाल सकते हैं। रेनी सीजन में ये ग्रो करेगा, नहीं तो बिल्कुल भी ग्रो नहीं करता है। ये देखिए ये इसमें से बहुत दूध निकलते हैं, इस फ्रूट से, इसके पत्ते से भी दूध निकलता है। या फिर इसके जो नर्सरी से मिलता है, इसका प्लांट्स आप खरीद के ला सकते हैं, हाइब्रिड वाले आप लगा सकते हैं, हाइब्रिड वाले चीकूस।
उसमें से भी आप बहुत ही अच्छे प्लांट्स पा सकते हैं, जल्दी चीकूज हो सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।